हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो था कुछ और, बट मैंने वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाई है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम मेरे बाल बहुत थिन हैं तो इन्हें थिक करने के लिए कुछ बताइए। तो ऑब्वियसली ये चैनल ही आप लोगों के लिए है, तो अगर मैं आप ही लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करूँगी तो मेरा यहाँ पर वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसी टॉपिक पर आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे कि बहुत जल्दी आपको बालों में वॉल्यूम दिखने लग जाएगा और आपके बाल काफ़ी घने हो जाएंगे। मेरी तरह मेरे बाल भी काफ़ी घने हैं, तो अगर आप वो रेमेडी रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। स्पेशली जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए अपने बालों का ध्यान रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें भी फॉलो करनी होंगी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपके बाल किस वजह से थिन हो रहे हैं। थिन होने के भी बहुत सारे रीज़न हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या है, लेकिन क्या होता है कि जब हम टीनेजर्स होते हैं तो हम बाहर का फूड बहुत खाते हैं, जिस वजह से हमारा जो बॉडी है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितना प्रॉपर चाहिए होता है बालों की ग्रोथ को और उनको मजबूत बनाने के लिए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो रीज़न होता है बालों के झड़ने का और उनके थिन होते जाने का, वो यही होता है कि हम अपनी ना जो डाइट है उसे हेल्दी नहीं रखते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, और जिसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशन रहता है आपकी बॉडी के अंदर और उस वजह से आपके बाल थिन होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और टूटने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान कीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाते हैं तो वो आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए ख़तरनाक है, तो अभी से उसे अवॉइड करें। महीने में आप एक दो बार खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएँ, बिकॉज उससे आपको ही नुकसान होगा और आगे चल के भी आपको आपकी बॉडी में एक बीमारी भी बन सकती है कोई बड़ी। तो अवॉइड करें, जितना भी जंक फूड आप अवॉइड कर सकते हैं, हेल्दी खाना खाएं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैपनीज़ जो लड़कियां होती हैं उनकी स्किन कितनी ग्लोई होती है, तो आप वीडियो भी देखते होंगे कि कोरियन स्किन कैसे पाएं। तो बेसिक जो कारण है उनकी स्किन ऐसे होने का, वो है कि वो लोग बाहर का फूड बहुत कम खाते हैं, बॉयल्ड फूड ज़्यादा खाते हैं और हेल्दी फूड पे ज़्यादा फोकस रहता है, जिस वजह से वो नेचुरली खूबसूरत रहते हैं। तो हमें भी अगर ऐसा बनना है, पहली बात तो उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं, लेकिन अगर हमें अपनी स्किन और बालों को और अच्छा बनाना है तो फिर हमें ऐसा फूड खाना ही पड़ेगा जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो और उससे फ़ायदा भी मिलेगा आपको। देखिए, आपका जो बालों का थिन होने का रीज़न है वो जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके घर में सबके थिन ही हेयर हैं तो आपके भी थिन हेयर होंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप कुछ भी कर लें, आप जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना उसका टेक्सचर नहीं चेंज कर सकते, जिसकी वजह से आपके हेयर की जो ग्रोथ होगी वो थिन ही होगी। लेकिन हाँ, आप अपनी डाइट को चेंज करके और कुछ होम रेमेडीज यूज़ करके अपने बालों को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि वो टूटे ना और उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखे। अगला जो रीज़न जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, केमिकल वाला कंडीशनर हो या फिर आपका सीरम्स हो, तो बहुत ज़्यादा अगर आप अपने बालों पर यूज़ करते हैं केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, तो आपके बालों में जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ होती है उसे वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल वीक हो जाते हैं और वो थिन दिखने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट भी अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपके बाल थिन हो जाएंगे। एक और चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं और वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उससे आपको एलर्जी हो रही है और अपने बालों पर आप वो फिर भी लगाते हैं, तो उससे भी आपके बाल थिन हो सकते हैं। तो पहले तो पता लगाइए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको एलर्जी हो, चाहे वो खाने की हो या फिर बालों में लगाने की हो, दोनों ही हो सकती हैं। और नेक्स्ट, अगर आपके अंदर कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, तो भी आपके बाल थिन होंगे, वो झड़ेंगे, टूटेंगे डेफिनेटली। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे हेयर हैं वो इस चीज़ से भी कनेक्ट होते हैं कि अगर आपके अंदर कोई इलनेस होगी और आपके बाल झड़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि इस वजह से मेरे बाल झड़ सकते हैं। तो वो जो आपकी इलनेस है, पहले उसे दूर कीजिए, रिकवर हो जाइए, उसके बाद अपने बालों पर ध्यान दे सकते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी आपके बाल थिन हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक बार अपना ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, और आपको लगे कि भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो एक बार आपको डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाना चाहिए अगर इस रीज़न से आपके बाल टूट रहे हैं या थिन होते जा रहे हैं। आपके बाल पॉल्यूशन की वजह से भी थिन हो सकते हैं, पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है स्किन और हेयर पे। तो हेयर आपके, अगर आप ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो भी आपके बालों पे असर पड़ सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है ये आपके हाथ में है बिल्कुल,
कि अगर आप मेंटली या फिजिकली किसी स्ट्रेस में हैं तो भी आपके बाल थिन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आपका स्ट्रेस आपके बालों के झड़ने या थिन होने की वजह तो नहीं बन रहा। स्ट्रेस तो हमें वैसे भी नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे हाथ में ही होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को एडवाइस भी करूँगी कि अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में आप स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेंगे तो आपकी स्किन भी और आपके बाल भी सब खराब हो जाएंगे। तो स्ट्रेस ना लेने के लिए आपको रहना पड़ेगा हैप्पी, और हैप्पी रहने के लिए मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। ओह सॉरी, ये अच्छा था ना। ओके, एक कारण और है कि अगर आप अपने बालों का ध्यान ही नहीं रखते हो, फिर उसके बाद सोचते हो कि मेरे हेयर टूट रहे हैं, थिन हो रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप अपने बालों का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, उनको टाइम से वॉश नहीं कर रहे हो, उन पर हेयर मास्क या हेयर पैक नहीं लगा रहे हो और सोच रहे हो कि थिन हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो डेफिनेटली टूटेंगे, क्योंकि आपको बाल दिए हैं भगवान ने सर पर, तो उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने बालों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार नहीं आते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके बाल बिल्कुल सर से जा चुके हैं, जो गंजे हो चुके हैं। तो थोड़ा सा धीरे करके इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप में से कोई ऐसा बंदा हो जिसके बाल चले गए हों, वो हार्ट ना हो। मैं उन लोगों के लिए भी ऐसी रेमेडी लाने वाली हूँ जिससे बाल दोबारा उग सकते हैं। तो प्लीज़ आप वेट कीजिए, उसके लिए मैं एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और चलिए तो फिर बिना देरी करे फटाफट से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, पसंद करते हो आप, तो प्लीज़ कंजूसी क्यों करते हो, एक थम्स अप दे दिया करो वीडियो के नीचे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी फैमिली के साथ आप जुड़ सको। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस होती हैं यूज़फुल, कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलता है उनसे, तो अपने पास तक ही सीमित क्यों रखते हो यार, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करो, उनके भी बाल खूबसूरत बनवाओ, स्किन अच्छी बनवाओ। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हो जाएं, देखो मैं अपने बालों की लेंथ दिखा देती हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल भी मेरी तरह लंबे हो जाएं, तो उसके लिए भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बाल बढ़ेंगे ही नहीं तो आप कटिंग भी नहीं करवा पाओगे। तो हेयर कट भी अगर आपको लेना है अच्छा सा, उसके लिए भी आपके बालों की ग्रोथ लगातार बढ़नी चाहिए जिससे कि आप अच्छे अच्छे हेयर कट भी करवा सको अपने बालों पर। सो उसके लिए भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अब ज़्यादा मत कहलवाओ। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है कमाल का हेयर पैक जिससे कि आपके बालों को बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। आप उसको रेगुलर बेसिस पर अगर यूज़ करेंगे कमाल के रिजल्ट दिखेंगे आपको। मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ये देखिए आपके पास बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, उस पैक को यूज़ करने के बाद ही ब्लैक हो चुके हैं हेयर और काफ़ी वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। एकदम से वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा वो मैं अभी भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से होम रेमेडीज यूज़ करती हूँ तब जाके मेरे बाल ऐसे हैं। ओके, सो आप लोगों को भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो लगातार उसे यूज़ करना पड़ेगा आपको। स्पेशली मेरी सब्सक्राइबर, आप ही के लिए है ये वीडियो, आपने इतने प्यार से मुझे रिक्वेस्ट किया था, मुझे पूरा करना तो बनता था। सो विदाउट एनी फर्दर आडो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक लोहे का बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है लोहे की, क्योंकि इसमें से जो आयरन होता है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है जिससे और अच्छा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये आंवला रीठा और शिकाकाय पाउडर। ये जो पाउडर्स हैं ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, अगर आपको लेने हैं, खरीदने हैं, तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये पाउडर्स हैं। तो मैं इसका रेशो ले रही हूँ 1:1:1 का, तो यानी कि मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच है रीठा पाउडर और 1 ही बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है शिकाकाय पाउडर। तो एक 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 का ही आपको रेशियो रखना है। मैं यहाँ पर बड़े चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं। कम बाल हैं आपके तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। तो अभी इसमें मैं आरओ वाटर मिला रही हूँ थोड़ा सा। हर रेमेडी में भी पानी का भी एक अपना रोल होता है, तो आप आरओ वाटर अगर अपनी स्किन और बालों पर यूज़ करेंगे रेमेडीज़ के अंदर तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हम इसे रात भर सोक करने के लिए रखेंगे। तो इसमें इतना पानी मिलाना है ताकि जो पाउडर है ये अच्छे से सोक हो जाए उसके अंदर और थोड़ा फूल जाए। यहाँ पर मैं पानी मिलाती जा रही हूँ। इसके जो लम्प्स हैं इन्हें अच्छे से आप स्पून से मैश कर लें, लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। तो बिल्कुल अच्छे से मैं इसे पानी में मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे ही मिलाना है। यहाँ मैंने करीबन 3/4 ग्लास पानी यूज़ किया है और उसमें इसे अच्छे से भिगा दिया है मैंने। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट जो है वो थोड़ा सा पतला है, हमें ऐसा ही पेस्ट बनाना है इसका, क्योंकि हम इसे रात भर सोक करने के लिए छोड़ेंगे तो ये जो पाउडर है थोड़ा सा फूल जाएगा और थिक हो जाएगा ये।
रेमेडी तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं ओवरनाइट, हम इसे नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, पूरी रात जब हमने इसे भिगाया तो कितना काला हो गया है ये। और इस तरीके से मैं इसे मिक्स करके दिखा देती हूँ। पेस्ट आपको ध्यान होगा जैसा मैंने अभी मिक्स किया था उससे कितना गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें। तो ये जो कढ़ाई में चारों तरफ काला लगा हुआ है ना, ये जो काला पाउडर हो गया है, इसे भी हम पूरी रेमेडी में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बाल ग्रे हैं तो आप उन्हें इससे काले कर सकते हैं, और बालों के लिए बहुत अच्छा है ये। नेचुरल डाई की तरह भी काम करेगा और बालों को बहुत ही अच्छा बना देगा। तो ये आंवला रीठा शिकाकाई का पेस्ट तैयार है, अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। अभी मैं अपने एप्लीकेशन मोड में आ गई, तो सबसे पहले अपने बालों के अंदर जो टेंगल्स होंगे उन्हें रिमूव कर लेंगे, अच्छे से कॉम कर लेंगे बालों को। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं रिमूव करेंगे टेंगल तो ऑब्वियस ही बात है ये जो आपका पेस्ट है ये आप लगाएंगे तो लगाने के बाद जो उलझे हुए बाल हैं वो और उलझ जाएंगे, जिसकी वजह से वो टूटेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप ये सारे टेंगल रिमूव कर लें, जैसे कि मैं रिमूव कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में मेहंदी लगाई थी तो उसका कलर है मेरे बालों में, मैं उसे हटाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए मैं ये आंवला रीठा शिकाकाई अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ब्लैक हेयर ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे बालों का भी जो नेचुरल कलर है वो ब्राउन है, तो मुझे थोड़े से ब्राउन कलर के बाल ही पसंद हैं। बट आप लोगों ने बोला है तो मैं आपको अप्लाई करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये जो मेरा आंवला रीठा शिकाकाई का पेस्ट था, इसे रख लेंगे एक जगह। और मैंने यहाँ पर लिया है ये स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल से सारे बालों पे अच्छे से पानी को स्प्रे करेंगे, क्योंकि हल्के से वेट होंगे हेयर तो ज़्यादा अच्छे से फैलेगा ये पेस्ट, वरना बालों की ड्राइनेस की वजह से बहुत सारा पेस्ट आपके बालों में लगेगा। तो इसे इस तरीके से स्प्रे कर लें जिससे कि थोड़े से वेट हो जाएं आपके बाल। बाल गीले कर लेने के बाद आप ग्लव ज़रूर पहने, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ये हाथों पे भी डाई की तरह छोड़ेगा। तो कोई ग्लव्स आप या तो परचेज कर लें, अगर आप हेयर पर मास्क वगैरह लगाते रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये। तो मैंने ऐसे ग्लव्स पहन लिया है और एक ये इलास्टिक बैंड इस पर मैं लगा देती हूँ ताकि ग्लव्स बाहर ना आए एप्लीकेशन के टाइम। हमें ये ज़्यादातर पेस्ट रूट्स में अप्लाई करना है, तो इस तरीके से अपने बालों में अपने हाथों से ऐसे मांग निकाल लें और उसके बाद इसे अप्लाई करें ताकि अच्छे से रूट्स में जा सके, जिसकी वजह से बाल हेल्दी बनेंगे और उसके बाद हम इसे बालों पे अप्लाई करेंगे। तो डैप करते हुए आप इसे अप्लाई करें अपने स्कैल्प पर, जिसे बालों की जड़ों में ही अच्छे से लग सके और इसके सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकें। क्योंकि जो इसका मेन रीज़न होता है अप्लाई करने का वो रूट से ही रिलेटेड होता है। कंडीशनिंग के लिए तो हम बाकी और रेमेडीज़ भी कर सकते हैं अपने बालों में अप्लाई। बाल जड़ों से मजबूत होंगे तभी वो नहीं टूटेंगे और थिनिंग की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जल्दी से आप फटाफट अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं ये पेस्ट। बालों की रूट्स तक अप्लाई कर लेंगे इसे, क्योंकि ये बालों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। तो अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये जो रेमेडी है ये बालों को सॉफ्ट बनाती है, शाइनी बनाती है, जो स्कैल्प है उसको डीपली नरिश करती है। इसमें जो हमने शिकाकाई मिलाया है वो एंटी फंगल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एंटी फंगल होती हैं, जिसकी वजह से जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी है अगर आपके सर में तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। हेयर को तो ये स्ट्रांग बनाता ही है, थिकनेस बढ़ाता है। ऑब्वियसली थिन हेयर्स के लिए ही मैं रेमेडी बना रही हूँ, तो थिकनेस बढ़ाता है ये, बालों की ड्राइनेस और इचीनेस को ख़त्म करता है। इसे आपको कम से कम हर 15 दिन में तो लगाना ही चाहिए, और अगर आपके बाल ज़्यादा ही ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप इसे हर हफ्ते लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बाल नरिश हो सके और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो जल्दी बढ़े और स्ट्रांग बाल बन जाएँ आपके एकदम। अपने बालों का एक बन बना लेंगे। अब यहाँ देखिए, जिस हाथ पे मैंने ग्लव्स नहीं पहना था उस पर ये निशान लग गए हैं ब्लैक, और ये वॉश करने के बाद भी रहेंगे, और दो चार बार वॉश करने के बाद ही ये हाथ से छूटेगा। तो बिल्कुल डाई का भी काम करता है। और ये देखिए, कढ़ाई में जब भी जो बचा हुआ थोड़ा सा पेस्ट उसे मैं अपने जो बाल हैं उनके ऊपर ऊपर से अप्लाई कर लूँगी, ताकि अच्छे से लग जाए सारे बालों में ये। एक चीज़ और कि अगर आप रूट्स के साथ चाहते हैं कि अपने बालों पर भी पूरी तरीके से इसे अप्लाई करें, ब्लैक हेयर चाहिए आपको पूरे टिप्स तक, तो और ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं इस आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर की। उससे आपके सारे बाल अच्छे से कवर होंगे और जिस वजह से आपके सारे बाल एकदम ब्लैक हो जाएंगे।
अभी मैं एक पॉलिथीन लूंगी और इसे अपने बालों पर पहन लूंगी, जिससे कि ये जो मास्क हमने लगाया है ये ड्राई नहीं होगा। देखिए, अगर कोई भी जो हेयर मास्क आप लगाते हैं अगर वो ड्राई हो जाता है तो वो बालों को भी ड्राई कर देता है, तो हो सके तो उसे तब तक ही लगाएं जब तक वो गीला रहे, या फिर उसके ऊपर एक कैप लगा के रखें अगर आप फैन के नीचे भी बैठ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पॉलिथीन लगा लिया है अपने सर पर। इसे अप्लाई करने के बाद 45 मिनट्स के लिए आपको वेट करना है, तभी इसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैं आपको 45 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। 45 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसे लगाए हुए और आप देख सकते हैं ये पहले से भी ज़्यादा ब्लैक हो गया है। मैं पॉलिथीन एक बार रिमूव करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसा मैंने इसे अप्लाई किया था ये उससे भी ज़्यादा ब्लैक हो गया है। तो आपके बालों में अगर आप नेचुरल ब्लैक कलर चाहते हैं तो ये रेमेडी सुपर्ब है उस चीज़ के लिए। थोड़ा स्किन पर भी आ गया है तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। तो अभी मैं इसे वॉश करके आती हूँ। आपने देखा है मैंने इसे सूखने नहीं दिया है जिससे कि मेरे बाल ड्राई हो सकें। तो अभी मैं इसे वॉश करके आती हूँ और आपको इसके रिजल्ट भी दिखाऊंगी। और हाथ देख सकते हैं आप मेरे, वॉश करने के बाद भी इनमें थोड़ा सा कलर है, तो इसका मतलब कि इससे कलर जो है बहुत जल्दी नहीं जाएगा। सो मैंने अपने बालों को वॉश करके नेचुरली ड्राई किया है और ये देखिए मेरे बालों का वॉल्यूम, आप फ्लफीनेस आ जाती है, थोड़ा बाउंसी हो और ज़्यादा हो जाते हैं बाल इसे अप्लाई करने से। मैंने आपको मेहंदी वाले हेयर मास्क का भी रिज़ल्ट दिखाया था और इसका भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। और इससे मेरे बाल जो हैं वो ब्लैक भी दिख रहे हैं आपको, उस टाइम आपको थोड़े रेड कलर दिख रहा था मेरे बालों पर। तो आप देख सकते हैं कि हर रेमेडी के अपने अलग बेनिफिट हैं और अलग वो कलर भी छोड़कर जाते हैं बालों पर। बाल आपके एकदम मजबूत हो जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं टूटने वाले हैं। अगर आपके उलझे हुए बाल भी हैं, कॉम करेंगे तो भी नहीं टूटेंगे। स्ट्रांग बना देता है बालों को, स्ट्रांग बनाने के लिए, बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, वीडियो को देना है थम्स अप और नीचे एक रेड बटन है उसे प्रेस करके मेरा चैनल करना है सब्सक्राइब। मैं एक और चीज़ में भूल गई हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स आज ही पूरे हुए हैं। तो आप लोगों को बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हो। बिल्कुल जुड़े रहिए। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेमेडीज़ लेकर आने वाली हूँ। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाकर कहीं पर मैं कुछ ऐसा बता पाती हूँ जिससे कि एक बार में आपको रिज़ल्ट मिल सके। तो मेरी इस मेहनत के लिए कुछ तो आप मुझे दे ही सकते हो और वो है आप लोगों का प्यार। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और कॉमेंट्स किया कीजिए। यार रिज़ल्ट चाहे कैसा भी हो आप मुझे कॉमेंट्स करो, क्योंकि सारी चीज़ें सारे लोगों को सूट नहीं कर सकती, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो केमिकल फुल हो। तो मैं उसमें भी आपको एडवाइस करूँगी कि आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल किस टाइप के हैं और कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो के बाद भी बाकी वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए, यूजफुल लगे। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।